स्वतंत्रता अभियान के एक और महान क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम भी आता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया था, जो आजाद हिंद फौज के नाम से प्रसिद्ध थी। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को बहुत मानते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का ये प्रसिद्ध नारा उन्होंने अपने स्वतंत्रता अभियान ये बहुत ही प्रेरणादायक भाषण दिए और भारत के लोगों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये जानकी नाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के 14वां संतान में से 9वीं संतान थे। सुभाष चंद्र जी के पिता जानकी नाथ उस समय एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी वकालत से कई लोग प्रभावित थे। आपको बता दें कि पहले वे सरकारी वकील थे, इसके बाद फिर उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस का वाइफ का नाम एमिली सेंकल था और उनके बच्चे अनिता बोस फाप थे। इसके बाद उन्होंने कटक की महापालिका में काफ़ी लंबे समय तक काम भी किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। राय बहादुर का किताब भी अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस को देशभक्ति अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। जानकी नाथ सरकारी अधिकारी होते हुए भी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने जाते थे और लोक सेवा के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आपको बता दें कि ये खादी स्वदेशी और राष्ट्रीय श्रेणी संस्थाओं का पक्षधर थे। सुभाष चंद्र बोस की माता प्रभावती उत्तरी कलकत्ता के परंपरावादी दत्ता परिवार की बेटी थी। ये बहुत ही ढीण इच्छा शक्ति की स्वाभिमानी, समझदार और व्यवहार कुशल स्त्री थी। साथ ही इतने बड़े परिवार के भरण पोषण बहुत ही कुशलता से करती है। साहसी वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होनहार थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई कटक के प्रोस्टेड यूरोपियन स्कूल से पूरी की और 1909 में उन्होंने रेवनास कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन ले लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपने प्रिंसिपल बेनी माधव के दास के व्यक्तिगत का बहुत प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य का पूरा अध्ययन कर लिया था। पढ़ाई के प्रति अपने मेहनत और लगन से सुभाष चंद्र बोस ने मैट्रिक परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल किया था और अपने अध्ययन से सफलता हासिल की। आपको बता दें कि इसके बाद 1911 में सुभाष चंद्र बोस ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन बाद में अध्यापक और छात्रों के बीच भारत विरोधी टिप्पणियों को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का साथ दिया और उन्हें एक साल के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया और परीक्षा नहीं देने दी थी। उन्होंने बंगाली रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा दी, लेकिन आंखों खराब होने की वजह से उन्हें मना कर दिया गया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के एस्कोटसीट कॉलेज में दर्शन शास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त की। फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने के लिए कैम्ब्रिज के फिटाजाल विलियम कॉलेज में एडमिशन लिया। अपने पिता जानकी नाथ की इच्छा पूरी करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने चौथे स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की और सिविल सेवा भाग में नौकरी हासिल की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक इस नौकरी को नहीं कर पाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के लिए यह नौकरी मानो किसी ब्रिटिश सरकार के अंदर काम करने जैसी थी। इसीलिए उन्होंने इस नौकरी को नैतिक रूप से स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस नौकरी को छोड़ने का फैसला लिया और वे भारत वापस आ गए। वहीं सुभाष चंद्र बोस के अंदर बचपन से देश प्रेम की भावना थी, इसीलिए वह स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया और भारत को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आजाद हिंद फौज की हार से निराश नेताजी ने सहायता मांगने के रूस यात्रा करने की योजना बनाई, लेकिन 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी का विमान ताइवान में क्रेश हो गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल नेताजी की लाश नहीं मिली थी, साथ ही उस दुर्घटना का कोई सबूत भी नहीं मिला था। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी संन्यास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हालांकि बाद में से PIL के बाद वापस ले लिया गया।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा पश्चिम बंगाल विधानसभा के सामने बनाई गई, जबकि उनकी तस्वीर की झलक भारतीय संसदों की दीवारों में भी देखने मिलती है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी तथा आजाद हिंद सेना के कार्यवाहक के रूप में सुभाष चंद्र बोस खास पहचाने जाते हैं। उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए हुए निडर और प्रेरणादायक योगदान की वजह से उनकी जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को परिक्रमा दिवस के तौर पर देश भर में उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस खास उपलक्ष्य पर नेताजी कार्य और स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों को मानव वंदन अर्पित कर उनकी स्मृति में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर गणमान्य व्यक्तियों तथा समूच देश भर के लोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।